नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में जब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, इस बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर फैसला हो रहा था और उधर गोवा में कांग्रेस बीजेपी की सत्ता को चुनौती दे रही थी। जी हां, कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए सूबे की राज्यपाल मृदुला सिन्हा को एक पत्र लिख दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है और दावा किया है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। वैसे आपको बता दें कि सूबे में कांग्रेस ही सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस के पास जहां 14 विधायक है तो वहीं बीजेपी के पास अभी के हाल में सिर्फ 13 विधायक है। लेकिन बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के समर्थन से सरकार बना रखी है। इसी को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने दावा किया है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसे सरकार बनाने का एक मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने अपने पत्र में बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसूजा की मौत का हवाला भी दिया है और कहा है कि पहले से ही सरकार अल्पमत में चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए उन्हें हटाकर किसी और को सूबे का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या फिर कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस ने राज्यपाल से यह भी कहा है कि सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जाती है तो ये अवैध होगा और इसे चुनौती दी जाएगी। दरअसल गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित हैं। आपको यह भी बता दें कि गोवा की विधानसभा में विधायकों की संख्या 40 है, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 21 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन यह जादुई आंकड़ा न तो कांग्रेस के पास है और न ही बीजेपी के पास। अभी गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी कि एमजेपी, राकपा और निर्दलियों के सहयोग से राज्य में बीजेपी की सरकार चल रही है। विधानसभा में बीजेपी के 14 विधायक थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। इसके अलावा जीएफपी और एमजेपी के 3-3 सदस्य हैं, राकपा का एक सदस्य है, इसके साथ ही 3 निर्दलीय विधायक अभी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस को गोवा में सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को एक मौका देना चाहिए या फिर सरकार बनाने की आड़ में यहां पर भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिलता रहे। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।